हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस नई वीडियो में मैं आपको सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024 की बेस्ट बुक रिकमेंड करने वाला हूं। कौन सी बेस्ट बुक है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी करने के लिए, मैं आपको बता दूं। आप सभी का सैनिक स्कूल का इस बार एग्जाम 2024 में जनवरी में होने वाला है, ठीक है। तो तैयारी के लिए आप सभी के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी, उससे पहले भी मैं बहुत सारी बुक्स रिकमेंड कर चुका हूं जो कि एक ही पब्लिकेशन की है। पब्लिकेशन का नाम है अग्रवाल एग्जाम कार्ड। हाँ, आपने सही सुना, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बेस्ट बुक है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। मैं आपको बुक भी दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा उस बुक की खास बातें, क्यों आपको उस बुक को परचेस करना चाहिए। तो अगर आप भी सैनिक स्कूल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 2024 के लिए फॉर्म भरने का सोच रहे हो, तो आपको वही बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो बेस्ट है, जिससे बच्चों का सिलेक्शन होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो उसी में से क्वेश्चन पेपर भी फंसता है, मैंने ये प्रूफ भी दिखाया है मैंने अपने पुराने वीडियोस में। तो आपको उस बुक को जरूर से परचेज करना है, जिस बुक को मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस माइक को मैं यहां पर अटैच कर लेता हूं। और यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अब की बार सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है, मैं आपको बता दूं, पहले भी जनवरी में होता था, तो अब भी आप सभी का जनवरी 2024 में होने वाला है। फॉर्म की बात करूं तो अक्टूबर नवंबर में आपके फॉर्म आ जाएंगे और आपका फॉर्म आप भरना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तैयारी के लिए अभी से आपको बुक ले लेनी है, ठीक है, क्योंकि जब आप तैयारी करते हो तो आपको माइंड में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, कौन सी बुक लूँ, कौन सी नहीं लूँ, कैसे तैयारी करूँ, क्या पढ़ना है। तो आपको एक बहुत अच्छी बुक रिकमेंड करने वाला हूँ जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, ये बुक है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टडी गाइड है पूरी की पूरी, क्लास सिक्स के लिए और क्लास नाइन्थ के लिए, दोनों क्लासेस के लिए अवेलेबल है। और ये इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। इसको आपको खरीदना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, ठीक है। अब इस बुक के इंपॉर्टेंट की फ्यूचर की बात कर लेते हैं, क्या क्या आपको इसमें बुक में मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं, क्यों आपको अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक को लेना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं इस बुक की बात करूं, मैंने खुद इस बुक को देखा है, पढ़ा है अच्छे से, तभी आपको रिकमेंड कर रहा हूं। और मैंने अपने पुराने वीडियोस में इसी बुक को रिकमेंड किया है जो कि सैनिक स्कूल की बुक है 2024 के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का ट्रस्ट इस बुक के साथ जुड़ा है क्योंकि इसमें से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बुक की यहां पर मैं बुक की बात करूं तो इस तरीके से कवर पेज है बुक का और पीछे से कुछ इस तरह की बुक है, ठीक है। यहां पर आप सभी को लिखा है अग्रवाल एग्जाम कार्ड, यहां पर आप देख सकते हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड यहां पर लिखा है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन की बुक है ये। और यहां पर लिखा है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024 क्लास 6 के लिए है, ठीक है। क्लास 9 के लिए भी अवेलेबल है, क्लास 6 के लिए भी अवेलेबल है। और ये इंग्लिश मीडियम में है और हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम्स में ये अवेलेबल है बुक, ठीक है। जो हिंदी मीडियम में फॉर्म भरेंगे वो हिंदी मीडियम में भी परचेस कर सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं वो इंग्लिश मीडियम में भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कंप्लीट सिलेबस, यानी कि कंप्लीट सिलेबस के साथ ये पूरी की पूरी स्टडी गाइड आपको मिलने वाली है। यहाँ पर अगर हम देखें क्लास सिक्स का जो सिलेबस है सैनिक स्कूल के लिए, वो यहाँ पर आपको मैथ्स पूछा जाता है, जनरल नॉलेज पूछा जाता है, उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है आप सभी का इंग्लिश और इंटेलिजेंस, चार सब्जेक्ट में से पूछा जाता है। पूरी की पूरी स्टडी गाइड है, बहुत अच्छे से सारा का सारा सिलेबस इसमें आपको दिया गया है कंप्लीट। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट की फीचर है इस बुक के, मैं आपको वो भी बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर की फीचर्स की बात करें, ठीक है, जो आपको इस बुक में मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मिलने वाला है कंप्लीट थ्योरी परपेड स्ट्रिक्टली एज पर एस से सिलेबस, यानी कि जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है उसके ऊपर ही सारी थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। पूरी की पूरी किताब उसी के ऊपर बेस्ड है, पूरा का पूरा इसमें जितना भी पढ़ाया गया है कंप्लीट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के ऊपर ही पढ़ाया गया, यानी कि जो एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, थ्योरी आल्सो कवर्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कंटेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, जो थ्योरी मतलब इस बुक में जो भी दिया गया है, ठीक है, वो एनसीईआरटी बेसिस पे दिया गया है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, ठीक है, वो भी इस बुक में आपको मिलने वाले हैं। ऑलराइट, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर चैप्टर वाइज बेस्ट क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस मिलने वाले हैं, यानी कि चैप्टर वाइज सपोज करो कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, परसेंटेज पढ़ा, ठीक है, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज उसके टेस्ट भी मिलने वाले हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी और भी अच्छे हो जाएगी, तैयारी तो हो ही जाएगी, प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी बहुत अच्छे से। अनदर फीचर है इस बुक का, दो सॉल्वर्ड पेपर। आप सॉल्वर्ड पेपर का मतलब क्या होता है, जो पिछले सालों में पेपर हुए हैं, मतलब जो करंट में ही, मतलब जो अभी से, जैसे मान लो अभी जो आपका एग्जाम होगा 2024 में होगा, तो आपसे पहले जो सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ था 23 में हुआ था, जनवरी में हुआ था, ठीक है, मेरे को आइडिया नहीं है कब हुआ था पर जनवरी में हुआ था। तो उसका इसमें आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, उससे पहले का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, यानी कि दो सॉल्वर्ड पेपर मिलने वाले हैं 2023 का और 2022 का, ठीक है, वो भी सॉल्यूशन के साथ बहुत अच्छे से, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भैया इस बार पेपर कैसा आएगा, तो वो भी सॉल्वर्ड पेपर, इसलिए इसको बोलते हैं सॉल्वर्ड पेपर, सॉल्यूशन पेपर आपको इस बुक में मिलने वाला है।
अनदर पॉइंट है कि एक मॉक टेस्ट आपको इस बुक में मिलने वाला है, मॉक टेस्ट, ठीक है, बिल्कुल पेपर की तरह, यानी कि जो 2024 में आप सभी का सैनिक स्कूल का पेपर होगा वो पेपर किस तरीके से आएगा, पूरा का पूरा इस बुक में मॉक टेस्ट मिलने वाला है। अगर मैं इस बुक को खोल के दिखाऊं, थोड़ी क्वालिटी की बात करूं, यहां पर आप देखेंगे यहां पर इस बुक का फ्रंट पेज कुछ इस तरीके से, बुक को आपको जरूर से खरीदना है। यहां पर आप देखेंगे यहां पर लिखा है एनालिटिकल चार्ट फॉर प्रीवियस ईयर पेपर्स 2018 से लेकर 2023 का, आपको इसमें एनालिटिकल चार्ट मिलने वाला है। एनालिटिकल चार्ट का क्या मतलब होता है मैं आपको खोल के यहां पर दिखा देता हूं। ऑलराइट, और इसमें आपको 2500 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। देखो ये होता है भैया जी एनालिटिकल चार्ट, यहां पर आप देखेंगे इस बुक को मैं ये एनालिटिकल चार्ट होता है, यहां पर आप देखेंगे ये लिखा है मैथमेटिक्स, मैं यहां पर फोटो भी लिखा दूंगा। अब यहां पर होता क्या है इसमें, देखो एनालिटिकल चार्ट जो होता है ये आपका 2018 से लेकर 2023 तक का है। यहां पर इसमें होता क्या है बेसिकली कि यहाँ पर जैसे मैथ्स का, जैसे आपके चार सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स आता है, जनरल नॉलेज आता है, इंग्लिश आता है, इंटेलिजेंस आता है, उसमें चैप्टर होते हैं बहुत सारे, जैसे मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम, एलसीएम, फ्रैक्शंस, तो यहाँ पर एनालिटिकल चार्ट में होता है कि 2018 में कितने क्वेश्चन फंसे थे, 2019 में कितने आए थे नंबर सिस्टम में से, चैप्टर वाइज वो सारा कुछ दिखाया जाता है एनालिटिकल चार्ट में, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर पूरे का पूरा एनालिटिकल चार्ट दिया गया है बहुत ही अच्छे से, उसके बाद आपका सिलेबस भी यहाँ पर इस बुक में दिया गया है अगेन, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ आखिरकार सिलेबस है क्या। बुक की पेज क्वालिटी की बात करूँ तो बुक का पेज क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, तो मेक श्योर आपको अगर सैनिक स्कूल का एग्जाम पास करना है, क्रैक करना है, इस बुक को आपको जरूर से ले लेना है। बुक ऑर्डर ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए, तो आप जल्दी जाइए ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए। सैनिक स्कूल की तैयारी इसी बुक से आपको करनी है, बहुत ही अच्छी बुक है, आप देख सकते हैं मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट की फीचर बता दिए हैं ताकि आपको इस बुक के बारे में पता चल सके। तो आपने बुक के बारे में तो बहुत सारी जानकारी ले ली है, आप इस बुक को जाइए ऑर्डर कीजिए ऑनलाइन और अपनी तैयारी में लग जाइए। थैंक यू सो मच।